Namaskaram students, in this video we will discuss about the one of the most important technique of molecular biology, which is gel electrophoresis. So let's start. Gel electrophoresis ke andar kya hota hai ki gel ke andar jiske andar apan electric field apply karte hain aur uske andar bahut sare power present hote hain, to iske name ke according जेल यहाँ पर हम काम में लेते हैं अगेरोस जेल एक प्रकार का कोलोइडल सब्सटेंस है जो सीवीड्स हैं, बेसिकली रोडोफाइसी की जो एल्गी है उनसे ऑब्टेन किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक के अंदर अलग अलग तरीके के जेल काम में लिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः तो जो यूज में लिया जाता है वो है अगेरोस जेल। सेकेंड आता है इसमें पॉइंट इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन के उनको सेपरेट किया जाता है। और अगला वर्ड पोरोसिस, यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोरस। पोरस मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोर्स जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं या जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। तो इस प्रकार हम ऐसा बता सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ टेक्निक इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल विच हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेज अलग अलग काइंड के जो चार्जेज हैं उनके बेसिस पे हम डी एन ए को सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक की डिस्कवरी की थी टाइसेलियस ने 1937 के अंदर। तो इस टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, एक डी एन ए सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये जो डीएनए सैंपल का आइसोलेशन करने के अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम डीएनए सैंपल को आइसोलेट करते हैं। ये डीएनए का सैंपल हम आइसोलेट कर सकते हैं एक लीफ से, एक हेयर सेल से, एक स्पर्म से, आरबीसी से, इनके अलावा और बहुत सारी सेल्स हैं जिनसे हम डीएनए सैंपल आइसोलेट कर सकते हैं। सो डीएनए सैंपल आइसोलेशन कैन बी डन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑपरेटर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, सैंपल के साथ में जो भी लीफ से अगर अपन को ऑब्टेन करना होता है तो उसकी लीफ की जो उसको क्रश करने के बाद में उसके अंदर हम इथाइल एल्कोहल के साथ उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं जिससे उसकी पैलेट का फॉर्मेशन होता है डीएनए का, और फिर उसके अंदर और बहुत सारे हम कंपोनेंट डाल के उसको आइसोलेट करते हैं। ये एक अलग प्रोसीजर है। फिर जो डीएनए सैंपल आइसोलेट होता है उसको अपन क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके सैंपल को ब्रेक डाउन करने के लिए हम मोस्टली काम में लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम में लेते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से डीएनए को विद इन द डीएनए कट करता है। ये जितने भी सैंपल अपन को प्राप्त होते हैं डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं उनको हम एक माइक्रोपिपेट में फिल्ड कर लेते हैं, और एक माइक्रोपिपेट में फिल्ड करने के बाद में हम उसको जो इलेक्ट्रोपोरेसिस का ऑपरेटस है उसके अंदर डालते हैं। उसको डालने की क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार का ऑपरेटस होता है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होती है ये, जिसके अंदर एक साइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एक साइड में एनोड और एक साइड में कैथोड होता है। इसके अंदर हम एगरोस जेल को फिल्ड करते हैं। एगरोस जेल को हम डालने से पहले इस पूरे बॉक्स के अंदर बफर सॉल्यूशन डालते हैं। एक्चुअली बफर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसमें आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है बफर का। उसके अलावा इसके अंदर क्या करते हैं, अगेरो जेल को गर्म करके इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर कोम्ब रख देते हैं। कोम्ब रखने के बाद में जैसे जैसे ये जेल ठंडा होता है फिर हम उस कोम्ब को रिमूव कर लेते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर वेल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब उस वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास सैंपल है उसको माइक्रोपिपेट से बहुत ही सावधानी के साथ इन वेल्स के अंदर फिल्ड कर देते हैं। अब क्या होता है कि इन वेल्स से ये जो अगेरोस जेल है जो सेमी सॉलिड स्टेज में आ गया है ठंडा होने के बाद में, इसके अंदर क्या होता है कि पोर्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसका मतलब एक तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसके अंदर अगेरोस जेल की वजह से। अब जैसे क्या होता है कि हम इनको वेल के अंदर लोड करते हैं सैंपल को, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है अपने मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास की वजह से और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज उसकी वजह से
पॉजिटिव जो एनोड है उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो इस सी डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिंपल लोड होता जाता है धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट होता है, और लास्ट एंड फाइनल अगर इस डायग्राम में देखें तो डीएनए के जो अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके मोलिकुलर वेट और चार्ज के बेसिस पे आइसोलेट हो गए। तो जो अलग अलग तरीके के आ रहे बैंड वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके मोलिकुलर वेट किस तरीके से, और अगर दो एक ही तरीके के मोलिक्यूल नियर बाय प्रेजेंट हैं और इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका मोलिकुलर वेट इक्वल है। अगर दो मोलिक्यूल एक ही वेल से निकलने के बाद में एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं इसका मतलब उनका मोलिकुलर वेट इक्वल है। इस तरीके से इस प्रोसेस के बेसिस पर हम डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं उसके चार्ज के बेसिस पे और उनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। तो इसके अंदर अपने कौन सी प्रोसीजर काम में ली एक बार देखते हैं। अपन ने सैंपल लिया, उस सैंपल को फ्रेगमेंट कर लिया, फ्रेगमेंट करने के बाद में उस सैंपल को लोडिंग कर दिया अपरेटस वेल के अंदर। मूवमेंट ऑफ डीएनए इन एगरोस जेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल एंड चार्ज, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज के बेसिस पे उनका सेपरेशन स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक डाई का यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड विच इज इंटरकैलेटिंग डाइट, जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनके बीच में क्लैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, और एक तरीके से वो उनको कलर प्रोवाइड करती है ताकि हम डीएनए को देख सकें। अब डीएनए को देखने के लिए हम क्या करते हैं उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर देखते हैं, तो ऑरेंज कलर का वो दिखाई देता है विजुअलाइजेशन में। अब जो भी अपने पास डीएनए के बैंड ऑब्टेन हुए हैं जैसे इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो बैंड यहाँ से जेल के अंदर फॉर्म हुए हैं इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, और इसके निकालने की प्रोसीजर को बोलते हैं इल्यूशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस डीएनए के बैंड्स को निकालने के बाद में हम उनको अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं, जैसे पीसीआर के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर उसको हम काम में लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डीएनए को अलग अलग तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।